Business and CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we would be starting the new chapter in SS for Standard 7 student. The name of the chapter is Delhi during the medieval period. That is chapter number 8. Okay, so इस टॉपिक में इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी मतलब स्लेव मतलब गुलाम. तो हम इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं या तो इसको क्या बोलते हैं गुलाम डायनेस्टी भी बोला जाता है. तो स्लेव डायनेस्टी क्या है, उनके पहले फाउंडर कौन थे, सबको डिटेलिंग में पढ़ते हैं. ओके, सो द दिल्ली सुल्तानेट वॉज फाउंडेड इन द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी. जब 13th सेंचुरी चालू हुआ उसके इनिशियल दौर में ही दिल्ली सुल्तानेट का फाउंडेशन हुआ था. After the death of Ghori, one of the loyal slaves became the commander and established the control over Delhi. अब जब Ghori की death हुई तो उनके एक slave थे, one of the loyal slaves, जो इनके वफादार slave थे, वो commander बनकर उन्होंने दिल्ली का throne अपने कब्जे में कर लिया. क्या हुआ? 13th सेंचुरी की बिगनिंग में दिल्ली सुल्तानेट का रूल चालू हुआ, फाउंड हुआ. अब जब Ghori king की death हुई तो उनके एक बहुत loyal slave थे, एक वफादार स्लेव थे जो कमांडर बनकर उन्होंने पूरा दिल्ली का थ्रोन खुद के अंडर ले लिया, मतलब वो थ्रोन पे बैठने लगे और राजा बन गए. द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग ओवर दिल्ली. और उस टाइम से दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी का रूलिंग चालू हुआ. ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी का रूलिंग दिल्ली में कैसे चालू हुआ, जब Ghori की डेथ हुई तो उनके एक स्लेव थे जो क्या बन गए, जो दिल्ली को रूल करने लगे. इस तरह दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ. Though he faced many difficulties in establishing his power in India, he managed to provide a stable administration. तो बोला है जो slave dynasty के ये founder थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल face की, लेकिन still उन्होंने बहुत अच्छे से administration करने में वो successful रहे. He had started the construction of Minar. Okay, he had started the construction of Minar. His son-in-law Itumish, मतलब उन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन चालू किया था. फिर उनके सन इन लॉ थे इतुमिश जिन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया. ठीक है, ओके, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनार. उनके जो सन इन लॉ थे जिन्होंने उनको सक्सीड किया, उन्होंने मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया. ये मीनार का नाम फेमस हो गया कुतुब मीनार. ठीक है, सो उन्होंने ये जो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे उन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन चालू किया और उनके जो सन इन लॉ थे इतुमिश उन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन को कम्प्लीट किया. उस पिलर का नाम, उस मीनार का नाम हो गया कुतुब मीनार. In the picture 8.1, the architectural style of Qutub Minar was constructed in the mixture of both Hindu and Muslim style. तो ये Qutub Minar का जो पूरा construction था वो Hindu plus Muslim style के मिश्रण से बना था. This piece was the capital during the Sultanate age. जब Sultanate age था, जब Sultan rule करते थे, तो ये जगह capital थी Sultan की. ठीक है, Sultanate age की. Itumish was a slave in the beginning. He conquered many territories. इतुमिश जो हम लोग पढ़े, जो सन इन लॉ थे स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर के, वो इनिशियली स्लेव थे. ही कॉन्कर मेनी टेरिटरीज इन इंडिया एंड मेड देम द पार्ट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट. फिर उन्होंने धीरे धीरे आजू बाजू की बहुत टेरिटरी कैप्चर करके उसको दिल्ली सुल्तानेट के अंदर ला दिया. सो ही इज़ नोन एज़ अ फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. ठीक है, सो अगर आपको पूछे स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है तो आप क्या लिखोगे, इतुमिश. ठीक है, सो ही इज़ नोन एज़ अ फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, इतुमिश. क्लियर. His daughter Razia Sultan, मतलब इतुमिश की daughter, क्या नाम था उनका, Razia Sultan, ascended the throne after his death. मतलब जब इतुमिश की death हुई तो उनकी जो daughter थी Razia Sultan, उन्होंने throne acquire कर लिया. लेकिन Razia was the first female ruler to rule over Delhi. जो पहली female ruler थी जिन्होंने दिल्ली पे rule किया वो कौन थे, Razia Sultan, जो इतुमिश की daughter थी. Razia बहुत efficient ruler थी, बहुत अच्छे से rule करती थी, लेकिन she used to dress as a male when she was in court. जब वो दरबार में होती थी तो वो लड़कों जैसे कपड़े पहन के रहते थे. According to an historian of that time, Minas e Siraj, उस समय के historian थे जिनका नाम है Minas e Siraj, Razia was more capable and efficient than more than her brother. मतलब एक historian थे जिन्होंने ऐसा लिखा था कि जो Razia Sultan थी उनके भाइयों से भी ज्यादा capable थी ruling करने में. However, being a woman, she was not accepted as a ruler. लेकिन obviously she was a woman, तो उसको as a ruler acceptance नहीं मिला. वहां की प्रजा ने उनको नहीं accept किया in spite of being efficient. Clear? So इतुमिश founder थे slave dynasty के, उनकी daughter Razia Sultan ने throne acquire किया जब इतुमिश की death हुई. अब Razia Sultan जब दरबार में होती थी तब वो male जैसे court में होती थी तब वो male clothes पहनती थी and she was the first woman जिन्होंने दिल्ली को rule किया था. वो बहुत efficient ruler थे और एक historian ने ऐसा भी लिखा था कि जितने भी उनके भाई थे उनसे भी ज्यादा capable थी Razia Sultan, लेकिन वो एक woman थी तो उनको इतना acceptance नहीं मिला. ठीक है,
आमिर खुशराव डिसलाइक राजिया एज अ रूलर। अब जो आमिर उसराव थे उनको राजिया एज अ रूलर नहीं पसंद थी। राजिया रूल केम टू एन एंड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ अमरिस। ओके, आमिर खुशराव ने बहुत इंटरफेरेंस किया जिससे राजिया सुल्तान का पीरियड ऑफ रूलिंग खत्म हो गया। देयर वाज कंप्लीट डिसऑर्डर फॉर द सुल्तानेट फॉर 7 इयर्स आफ्टर हर डेथ। मतलब राजिया सुल्तान की डेथ के 6 साल तक तो पूरा का पूरा सुल्तानेट जो मैनेजमेंट है, जो सुल्तानेट का रूलिंग है, उसमें डिसऑर्डर हो गया। एट लास्ट आमिर खुशराव एनथ्रोन नसरुद्दीन द सन ऑफ इतुमिश। और फिर अल्टीमेटली 6 साल मतलब स्टेप के बाद जो इतुमिश के सन थे जिनका नाम था नसरुद्दीन, वो थ्रोन पे आए। ही रूल्ड फॉर 21 इयर्स। ये जो नसरुद्दीन थे उन्होंने 21 इयर्स तक रूलिंग की। उनकी डेथ के बाद गियास उद्दीन बालबन एसेंडेड द थ्रोन। मतलब नसरुद्दीन के बाद जो जिन्होंने 21 साल तक रूल किया उसके बाद थ्रोन अक्वायर किया गियास उद्दीन बालबन। He was strong ruler who brought an end to the disorder and established peace. और ये जो थे गियासुद्दीन बालबन वो बहुत ही strong ruler थे और जो पूरा सुल्तानेट में disorder आ गया था उनको ठीक करने का काम इन्होंने किया। और उन्होंने और 22 साल रूल किया, 22 years तक उन्होंने रूल किया। ही descended, उसके जो descendant थे उनके बाद जो लोग आए वो बहुत ही weak थे एंड खिलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई और इस वजह से सुल्तानेट डायनेस्टी के ऊपर खिलजी डायनेस्टी ने रूल करना चालू कर दिया और दिल्ली पे खिलजियों का कब्जा आ गया। ठीक है, ओके, थिंग्स टू नो एक बार देख लेते हैं। राजिया सुल्तान इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन एंड कॉइन दैट शी वाज इतुमिश डॉटर। द काकाटिया डायनेस्टी यूज्ड टू रूल ओवर वरंगलन इन प्रेजेंट आंध्र प्रदेश। द एटीट्यूड ऑफ क्वीन रुद्रमा देवी ऑफ अ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ राजिया सुल्तान। इन अ इंस्क्रिप्शन शी एनग्रेव अ नेम लाइक अ मैन। सिमिलरली देयर वाज क्वीन दीदा हु वंस रूल ओवर कश्मीर, शी वाज अफेक्शनली कॉल्ड दीदी बाय सब्जेक्ट। मतलब राजिया सुल्तान के बारे में बताया, रुद्रमा देवी के बारे में बताया एंड कश्मीर की रूलर थे क्वीन दीदा उनके बारे में बताया। सो राजिया सुल्तान उन्होंने स्टोन पे लिखवा दिया था कि वो इतुमिश की डॉटर है। फिर जो रुद्रमा देवी थी उनका एटीट्यूड एकदम अप्रोच उनका डिफरेंट था। उन्होंने लिखवाया था, एनग्रेव कराया था, शी एनग्रेव हर नेम लाइक अ मैन, एक मैन के फॉर्म में, मतलब मैन जैसा नाम उन्होंने एनग्रेव करा। और जो कश्मीर को रूल करते थे क्वीन दीदा, उनको अफेक्शनली दीदी बुलाया जाता था। ठीक है, अब खिलजी डायनेस्टी, उससे पहले हम स्टेट डायनेस्टी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो जब गौरी की डेथ हुई उसके बाद उनके एक लॉयल कमांडर थे जो स्लेव थे, सॉरी एक लॉयल स्लेव थे जो दिल्ली का थ्रोन अक्वायर कर ले। इतुमिश को बोला जाता है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ओके, इतुमिश की डेथ के बाद इतुमिश की डॉटर दैट इज राजिया सुल्तान रूलर बनी, बट उसको ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला इन स्पाइट ऑफ बीइंग केपेबल बिकॉज वो फीमेल थी। किसको प्रॉब्लम थी राजिया सुल्तान से? आमिर खुसरो। ठीक है, फिर राजिया सुल्तान की डेथ के बाद 6 साल पूरा डिसऑर्डर हो गया। उसके बाद इतुमिश के सन थे जो थे नसरुद्दीन, उन्होंने थ्रोन अक्वायर था 21 साल रूल किया। उनकी डेथ के बाद गियासुद्दीन बालबन ने रूल किया 22 इयर्स। वो बहुत एफिशिएंट रूलर थे और जो पूरा डिसऑर्डर हुआ था उसको उन्होंने ठीक कर दिया। लेकिन उनकी डेथ के बाद जो आगे डिसेंडेंट थे वो काफी वीक थे, इसलिए खिलजी डायनेस्टी ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया और खिलजी डायनेस्टी दिल्ली को यूज कर रूल करने लगी। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। विदिन 4 इयर्स ऑफ बालबन डेथ, बालबन की डेथ के बाद जब गियासुद्दीन बालबन की डेथ उसके 4 साल के अंदर अंदर खिलजी डायनेस्टी ने अपना रूल दिल्ली में एस्टैब्लिश कर लिया। मतलब गियासुद्दीन बालबन जो सुल्तानेट के वीकेंड से लास्ट रूलर थे उसके बाद खिलजी डायनेस्टी ने 4 साल के अंदर अंदर दिल्ली में पूरा रूल अक्वायर कर लिया। द टर्क कम्युनिटी हू बिलोंग टू खिलजी इन अफगानिस्तान वर नोन एज खिलजीज। मतलब जो टर्किश कम्युनिटी थी हु बिलोंग टू खिलजी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के खिलजी जगह से जो बिलोंग करते थे टर्क कम्युनिटी, उनको बोला जाता था खिलजीज। जिल्लातन खिलजी ब्रॉट एन एंड टू द स्लेव डायनेस्टी एंड इट्स प्लेस फाउंडेड खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जिलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? जिलाउद्दीन खिलजी। जिलाउद्दीन एंड बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। ही वॉज वेरी एम्बिशियस, वो बहुत एम्बिशियस थे। ही कंट्रोल द इंटरफेरेंस ऑफ उलेमास एंड उमराउस इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अलादर खिलजी फ्रेम स्ट्रिक्ट लॉज टू कंट्रोल प्राइसेस। द फेमस पोएट आमिर खुसराव हुज वर्क वर वेल नोन एडॉर्न हिज कोर्ट। मतलब जो जिलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में कौन थे? आमिर खुसराव, जो बहुत बड़े फेमस थे। आमिर उसराव जो राजा सुल्तान से नफरत करते थे और ये आमिर खुसराव जो पोएट थे वहां के। There was complete disorder in the kingdom after the death. After his death, then Tughlaq dynasty establishes power replacing Khilji. अब जब जिलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई तो किस कौन सी डायनेस्टी आ गई? तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, चलो तब अपन पढ़ते हैं।
तुगलक डायनेस्टी के बारे में. ओके सो देखो तुगलक गिज़ियादिन तुगलक फाउंडेड तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी किसने फाउंड की? गिज़ियादिन तुगलक. खिलजी डायनेस्टी किसने फाउंड की? जलालुद्दीन खिलजी. और तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गिज़ियादिन तुगलक. ओके मतलब अलाउद्दीन खिलजी की चार साल डेथ के बाद तुगलक डायनेस्टी ने रूल करना चालू कर दिया. डाक चौकी द पोस्ट सर्विस वॉज स्टार्टेड इन दिस टाइम. मतलब जब तुगलक डायनेस्टी रूल करते थे तो पोस्ट ऑफिस सर्विस जिसको बोला जाता था डाक चौकी. डाक मतलब लेटर. डाक चौकी तब स्टार्ट हुई. द लेटर वो कैरिड बाय हॉर्स राइडर. पोस्टमैन वो रिफर्ड इज हलकारो से दैट टाइम. अब उस टाइम पे लेटर एक जगह से दूसरी जगह घोड़े पे सवार होके भेजे जाते थे और जो पोस्टमैन होते थे उनको हलकारो बोला जाता था. हलकारो तो आपसे पूछ सकते हैं पोस्टमैन को उस टाइम पे क्या बोला जाता था? हलकारो. ठीक है. ओके मोहम्मद तुगलक बिकेम द सुल्तान आफ्टर गिज़ियादिन. गिज़ियादिन तुगलक के बाद कौन आया? मोहम्मद तुगलक. मैनी ऑफ द डिसीजन दैट टुक वर क्रिटिसाइज. मोहम्मद तुगलक ने काफी ऐसे डिसीजन लिए जिनकी जिनपे बहुत क्रिटिसिज्म मिला, जो एक्सेप्टेबल नहीं, जो लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किए. अमंग द टू मेन प्लान्स वर टू ट्रांसफर. उनमें से दो कौन से ऐसे डिसीजन थे जो मोहम्मद तुगलक ने लिए जिसको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा? पहला टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. उन्होंने बोला कि भाई जो कैपिटल है ना दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दो. ये बात उन्होंने एक बोली. दूसरा इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ कॉपर करेंसी. अब आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी दो ऐसी बातें थी, कौन से दो ऐसे डिसीजन थे मोहम्मद तुगलक के जो लोगों ने क्रिटिसाइज किए? पहला दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करना और दूसरा कॉपर करेंसी इंट्रोड्यूस करना. During Muhammad Tughlaq region, Ibn Battuta, an African traveler from Tangier belonging to Hapsi tribe, visited India. मतलब जब तुगलक डायनेस्टी का रूल था तो Ibn Battuta एक African traveler थे जो Hapsi tribe से belong करते थे, वो इंडिया में आए. Criticizing the Sultan administration, he was written that Muhammad Shah rule was amalgamation of both good and बैड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी. तो उन्होंने ऐसा लिखा था कि जो मोहम्मद तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें अच्छी और बुरी बातों का अमालगमेशन है, मतलब मिक्सचर है. ठीक है. सो इतना मोहम्मद तुगलक के बारे में. मोहम्मद तुगलक के बारे में वापस रिवाइज कर लेते हैं. खिलजी डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी है वो तुगलक डायनेस्टी थे. इनके फाउंडर थे गिज़ियादिन तुगलक. ठीक है. इनकी ड्यूरेशन की टाइम ही तुगलक डायनेस्टी के टाइम ही डाक चौकी दैट इज पोस्ट ऑफिस का कंसेप्ट है, जो लेटर्स थे हॉर्स पे राइड करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे और जो पोस्टमैन थे उसको हलकारोज बोलते थे. क्या बोलते थे? हलकारोज बोलते थे. ठीक है. अब गिज़ियादिन तुगलक के बाद रूलर बने मोहम्मद तुगलक. ओके अब मोहम्मद तुगलक के दो ऐसे डिसीजन थे जो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किए. पहला दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर लो और दूसरा डिसीजन कॉपर करेंसी इंट्रोड्यूस करना. ओके आप उस टाइम पे इबन बटूटा एक अफ्रीकन ट्रैवलर थे जो हप्सी ट्राइब को बिलोंग करते हो इंडिया में, और उन्होंने लिखा था कि जो मोहम्मद तुगलक का रीजन है उस टाइम पे कुछ अच्छे भी और कुछ बुरे भी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थे. ठीक है. चलो अब हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर. ड्यूरिंग द सुल्तानी पीरियड देयर वर अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया. जब दिल्ली में सुल्तान का राज चलता था तब काफी ऐसी कोशिश करी कि साउथ इंडिया पे अटैक करें. अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक. मतलब अलाउद्दीन खिलजी एक पहले रूलर थे जिसने साउथ इंडिया पे अटैक करा. ही कैरिड अवे इनॉर्मस वेल्थ फ्रॉम देवगिरी. उन्होंने बहुत ज्यादा देवगिरी से वेल्थ ली. सब्सिक्वेंटली मलिक कफूर डिस्ट्रॉय द किंगडम ऑफ वरंगल. उसके बाद मलिक कफूर ने क्या किया? वरंगल का पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय कर लिया. द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया वर्सन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक. अब इसके बाद तो जब मोहम्मद तुगलक आए तो साउथ की कंडीशन और खराब हो गई. हिंदू एम्पायर ऑफ विजयनगर एंड द ब्रह्मानी सुल्तानेट वर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इन साउथ इंडिया. आफ्टर द डिफीट जैसे रूलर ऑफ वरंगल की डिफीट हुई द टू ब्रदर ऑफ यादव क्लैन हरिहर एंड बुक्का एस्टैब्लिश. उन्होंने विजयनगर किंगडम एस्टैब्लिश किया था अंडर इंस्पिरेशन ऑफ विद्या नारायण. राइट. द विजयनगर किंगडम वॉज एस्टैब्लिश इन द साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर. ये जो विजयनगर किंगडम था पूरा वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया था? तुंगभद्रा की रिवर के साउथ में. 1336 8 साल के पीरियड में द किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर तुंगभद्रा टू कन्याकुमारी. मतलब 8 साल के अंदर जो तुंगभद्रा के बाजू में एक रीजन स्टार्ट किया वो किंगडम कन्याकुमारी तक फैल गया. बुक्का असेंडेड थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहारा. हरिहारा के बाद उनके ब्रदर थे बुक्का, उन्होंने थ्रोन असेंड किया. उसके जो डिसेंडेंट थे अगेन बहुत वीक थे तो एक न्यू डायनेस्टी पावर में आ गई. कृष्णदेव राय वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. मतलब जो न्यू डायनेस्टी आई ये हरिहर और बुक्का की डेथ के बाद उनके फाउंडर थे कृष्णदेव नारायण. कृष्णदेव नारायण रूल फ्लारिश साउथ इंडिया. उस टाइम पे साउथ इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, ग्रो हुआ.
ही वॉज अ गुड रिलेशन विद यूरोपियन एंड वॉज लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. उन्होंने साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा कैनल्स कंस्ट्रक्ट की विद अ इंजीनियर कॉल्ड यमके. फॉरेनर ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया विजिटेड विजयनगर अप्रिशिएटेड द ग्रैंडर. मतलब जो फॉरेन ट्रैवलर्स भी इंडिया में आते थे वो भी विजयनगर किंगडम की प्रशंसा करते थे. देयर वर ग्रैंड टेम्पल्स एंड पॉल द ग्लोरियस स्टेट वॉज डिस्ट्रॉयड इन द बैटल ऑफ टालीकोटा. लेकिन ये जो बहुत ग्लोरियस स्टेट था जो कृष्णदेव राय के अंडर में था विजयनगर, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया इन द बैटल ऑफ टालीकोटा. तो आपसे पूछ सकते हैं ये जो ग्लोरियस स्टेट ऑफ विजयनगर था अंडर द रूल ऑफ कृष्णदेव राय वो कौन सी बैटल में डिस्ट्रॉय हुआ, तो बैटल ऑफ टालीकोटा. अब नेक्स्ट है ब्रह्मानी सुल्तानी. द अमीर्स इन द डेक्कन रेबेल हसन वन ऑफ द एफिशिएंट अमीर्स बिकेम द सुल्तान एंड फाउंडेड द ब्रह्मानी सुल्तानी. अब उन्होंने ब्रह्मानी सुल्तानी बनाया. मोहम्मद गामन वाज कैपेबल मिनिस्टर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रह्मानी सुल्तानी. ये ब्रह्मानी सुल्तानी जो थे उनके एक एफिशिएंट रूलर थे जिनका नाम था मोहम्मद गामन. ही वॉन मेनी टेरिटरीज एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ ब्रह्मानी किंगडम. द पावर ऑफ ब्रह्मानी सुल्तानी वीकन आफ्टर हिज डेथ. मतलब जब मोहम्मद गामन की डेथ हुई तो पूरा ब्रह्मानी सुल्तानी का पावर कमजोर पड़ गया. कॉन्फ्लिक्ट बैटल्स होती रहती थी ब्रह्मानी और विजयनगर में. आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ ब्रह्मानी सुल्तानी काफी प्रोविजन इंडिपेंडेंट हो गए. उसमें से पांच जो प्रोविजन इंडिपेंडेंट हुए उनकी डेथ के बाद होते बीजापुर, अहमदनगर, गोलाकोंडा, बेरार और बीदार. और उन्होंने एज एन इंडिविजुअल खुद को फॉर्म कर लिया. ठीक है, सो ब्रह्मानी सुल्तानी के अगर फाउंडर और नेचर उनके एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर पूछे तो मोहम्मद गामन. ओके, लास्ट टॉपिक है ये दिल्ली सुल्तानेट का रूल खत्म कैसे हुआ. वी वुड बी स्टार्टिंग की एंड कैसे हुआ दिल्ली सुल्तानेट का. फिरोज शाह तुगलक असेंडेड द थ्रोन आफ्टर मोहम्मद तुगलक. मोहम्मद तुगलक के बाद मतलब अपन पहले गिज़ियाउद्दीन तुगलक थे उनके बाद मोहम्मद तुगलक और मोहम्मद तुगलक के बाद है फिरोज शाह तुगलक. हावर फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड दिल्ली सुल्तानेट बिकेम वीक. मतलब मोहम्मद तुगलक के बाद जब फिरोज शाह तुगलक आया उनके बाद पूरा एम्पायर वीक हो गया. रीजन ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑल्सो विटनेस द एविएशन एंड प्लंडर ऑफ दिल्ली बाय तिमूर. द गवर्नमेंट ऑफ लाहौर शिखर खान टुक एडवांटेज ऑफ चाओस एंड एस्टैब्लिश सैयद डायनेस्टी. इससे ये जो पूरा मेस हो गया था चाओस हो गया था उसका फायदा लेके न्यू डायनेस्टी बनी जो थी सैयद डायनेस्टी. द अथॉरिटी ऑफ दीज सुल्तान वर लिमिटेड टू द रीजन अराउंड दिल्ली. इन 1949 एन अफगान लीडर बहलोल एस्टैब्लिश रूल. उनके लोडी डायनेस्टी आई उस टाइम पे. उनके सन सिकंदर लोडी ने थ्रोन अक्वायर किया उनके बाद. दो सिकंदर लोडी में एक अच्छी क्वालिटी थी टू बी अ गुड रूलर. लेकिन उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस नहीं था. मतलब वो खुद के रिलीजन के लिए ज्यादा थे और दूसरे रिलीजन को टॉलरेट नहीं करते थे. स्ट्रगल ऑफ द थ्रोन बिगिन आफ्टर हिज डेथ. जब सिकंदर लोदी की डेथ हुई तो वापस लड़ाई चालू हुई थ्रोन कौन अक्वायर करेगा. इन विच इब्राहिम लोदी डिफीटेड हिज एल्डर ब्रदर एंड बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली. तो इब्राहिम लोदी ने अपने बड़े भाई को हरा के दिल्ली के राजा बन गए. आमिर्स वर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ द एरोगेंट एटीट्यूड. There were rebellion in the kingdom against his rule. Babur, the emperor of Kabul, invaded Delhi. अब उस टाइम पे कौन है काबुल के एम्परर दैट इज बाबर आए. उन्होंने दिल्ली में इन्वेट किया. उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया इन द बैटल ऑफ पानीपत एंड फाउंडेड मुगल एम्पायर. फिर उन्होंने क्या फाउंड किया मुगल एम्पायर. और मुगल एम्पायर 200 साल तक उन्होंने रूल किया. अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स तक मुगल एम्पायर ने रूल किया. ठीक है, सो इब्राहिम लोदी को किसने हराया बाबर ने. और बाबर कौन थे काबुल के रूलर. इंडिया में इन्वेट किया दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हराया. उसके बाद उन्होंने पूरा मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश किया. 200 साल तक उन्होंने मुगल एम्पायर ने रूल किया. ठीक है, सो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ा. उसके रूलर फाउंडर इल्तुतमिश थे. उसके बाद कौन सी डायनेस्टी है खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी आई. उसके बाद अपने विजयनगर जो साउथ वाला पार्ट है उसके बारे में देखा. कृष्णदेव राय जो उनके सबसे एफिशिएंट रूलर थे. उसके बाद ब्रह्मानी सुल्तान मतलब जो अमीर्स थे डेक्कन के उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया. फिर उसके बाद दिल्ली सुल्तानेट का एंड किस हुआ लास्ट में मुगल एम्पायर किसने सेटअप किया बाबर ने. ठीक है, हु वाज द एम्परर ऑफ काबुल. उन्होंने इब्राहिम लोदी को इन द बैटल ऑफ पानीपत हरा दिया. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. इन अवर नेक्स्ट सेशन वी वुड बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सेशन टिल चैप्टर. टिल देन गुड बाय.